तो राम राम नमस्ते सत्या। मैं आपका अपने एक दिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जैसे ही आपको बताया कि मेरे चैनल पर भी एक सीरीज ऑन गोइंग है जिसके अंदर मैं बाइक के ओनर और बाइक के बारे में थोड़ी डिटेल्स वगैरह दूंगा, तो ये उसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है जिसके अंदर आज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेम कैचर की पावर्स वगैरह के बारे में। तो हर चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्निकल गुरुजी का कॉपी नहीं है, कमेंट में गालियाँ मत देना। तो यार शुरू करते हैं। तो बस फ्लेम काइजर एक ऐसी बाइक है जो शो को शो के डैड ने दी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि शो के पास ये बाइक जोन में आने से पहले भी थी, जो शो के डैड ने उसी के घर पे बनाई थी गैरेज में, और ये शो को उन्होंने दी थी इस बाइक को ताकि शेमाडो खुद चलाते थे जब शो छोटा था। लेकिन फिर जैसे ही शो बड़ा हुआ उन्होंने ये बाइक शो को दे दी थी। और इस बाइक को सबसे ज़्यादा खास बनाता है इसका एम्बलम। तो बस ये पूरी सीरीज की ओनली एक ऐसी बाइक है जो प्लैटिनम एम्बलम को होल्ड करती है। इस बाइक का प्लैटिनम एम्बलम है जिसके ऊपर फ्लेम काइजर लिखा हुआ है विद द एम्बलम ऑफ फ्लेम। ये पूरे सीरीज की पहली डार्ट एंड बाइक है उन 6 लेजेंडरी डार्ट एंड बाइक्स में से। और कुछ लोग तो इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंसिडर करते हैं, जैसे कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये गॉड लाइक बाइक है पूरी सीरीज की, मतलब ये बाइक गॉड लाइक पावर अपने पास रखती है। और एक चीज़ इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बाइक हर तरीके के ट्रैक में बहुत ही स्पीड से जा सकती है, अनलेस वाटर को छोड़ के, एक्सेप्ट वाटर को छोड़ दे, क्योंकि लेकिन वो वाटर पे भी स्पीड में जा सकती है अगर वो 6 की 6 ही डार्ट एंड बाइक की पावर को कंबाइन करके यूज़ करे, जैसे कि उसने लास्ट एपिसोड में किया था। बाइक को सही सलामत रखने में सबसे बड़ा हाथ है ककेरू साकामाकी का। ककेरू उस बाइक की मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, जैसे ही शो कोई मतलब रेस से पहले वो उसके बाइक को फाइन ट्यून वगैरह कर देता है। तो हाँ, दूसरा हाथ इस बाइक को सबसे अच्छा बनाने में वो है ककेरू साकामाकी का। शो ने अपनी सीरीज में कहा था कि ये बाइक मेरे बच्चे की तरह है और मैं कभी इसे अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकता, कि मतलब जैसे कि वो अगर शो की आंखों के आगे नहीं होगी तो शो का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और सीरीज में थोड़ा आगे चल के फ्लेम काइजर इंपीरियल एक्स से हार जाती है जिसको चलाते शो के डैड यानी तकेशी यामाटो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बाइक है और फास्टेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बाइक है आफ्टर इंपीरियल टाइगर। इंपीरियल टाइगर पे भी एक और अलग से एपिसोड आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। सीरीज में एक बार फ्लेम काइजर को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो शो के डैड के मतलब साथ के जो दोस्त थे, जो मैकेनिक थे, वो फ्लेम काइजर को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉडिफाइड कर देते हैं जब शो दूसरी बार एक्सोन के अंदर आता है। करते हैं इस बाइक के स्पेशल मूव के। इस बाइक का स्पेशल मूव है डार्ट एंड मिराकल जंप। ये मूव कंपेरेबल है एंशियंट हीरो से, मतलब ये मूव उनके इक्वल है एंशियंट हीरो और इंपीरियल एक्स के। और सबसे पहली बार शो ने ये मूव किया था इंपीरियल टाइगर पे जब वो अपने मतलब डैड को हराने के लायक नहीं था, उसे अपने डैड को हराना था यानी तक उसी हमारे को जब से हराना था तब उसने ये मूव सीखा था। और पहली बार ये जो था मूव डाट एंड मिराकल जंप ये इंपीरियल टाइगर पे हुआ था, फ्लेम काइजर पे नहीं हुआ था, और ये भी एक फैक्ट है। इस बाइक की एक बात ये है कि जैसे एंड में जब शो की बैटल थी अपने डैड के साथ, जब मैच था कि फ्लेम काइजर वर्सेस इंपीरियल एक्स, तब फ्लेम काइजर इंपीरियल एक्स को नहीं हरा पाती बिना और 6 डाट एंड बाइक्स की हेल्प के, क्योंकि फ्लेम काइजर अकेले इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इंपीरियल एक्स जैसी इतनी मतलब गॉड बाइक को मतलब हरा सके। और इंपीरियल एक्स पे भी जल्दी वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। जब बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस बाइक के बारे में और बताने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपने मतलब जो अभी मेरी एक और लिस्ट आई जिसके अंदर मैं खुद अपने हिसाब से बताऊँगा कि आपको कि कौन सी बाइक कहाँ स्टैंड होती है। तो मेरे हिसाब से ये बाइक 3rd नंबर पर रैंक्ड होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी इंपीरियल एक्स, सेकंड पे आती है हमारी ब्लडी फैंग, 3rd पे फ्लेम काइजर आती है। और अब आप कमेंट में मत लिखना कि फ्लेम काइजर ने हरा रखा है ब्लडी फैंग को, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है शो वर्सेस गाबो टावर बैटल एक्सप्लेन, वो देख लेना अगर आपको अपनी क्वेरीज ठीक करनी है। तो अब ये रैंक वाली वीडियो में आने वाली, तो बस इस वीडियो के लिए यही था। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। बिजली की तेजी से कड़को और छी डालो आसमान का सीना।